हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपके टिकटॉक अकाउंट में लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि टिकटॉक अकाउंट पे हम लाइव का ऑप्शन कैसे ला सकते हैं, कैसे इनेबल कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। तो यहाँ पर अब हम अपने टिकटॉक के अकाउंट पे हैं। सबसे पहले आपने अपने टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन करना है और अभी यहाँ पे हमें सबसे नीचे मी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करके अपने अकाउंट पे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट खुल गया। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक ये जो पेज है इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए यहाँ पे हम एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी ये स्क्रीनशॉट मुझे काम आने वाला है तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कहाँ काम आएगा। चलिए अब हमें क्या करना है कि राइट हैंड साइड में ऊपर एक 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और अब हमें नीचे जाना है थोड़ा सा और नीचे आपको दिखेगा सपोर्ट के ऑप्शन में रिपोर्ट अ प्रॉब्लम, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पेज खुलेगा, ये देखिए। तो यहाँ पे अब हमें नीचे थोड़ा सा जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइव एंड ट्रांजेक्शन। चलिए इस पे क्लिक करते हैं और अब यहाँ पे आपको ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा आई एम अ लाइव होस्ट, इस पे क्लिक करना है और उसके बाद आई कांट स्टार्ट अ लाइव पे क्लिक करना है। और अब यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वी करेंटली मेकिंग अ लाइव स्ट्रीम एक्सेस अवेलेबल टू अ सिलेक्टेड नंबर ऑफ टिकटॉक यूजर्स हु आर एट लीस्ट 16 ईयर ओल्ड। यहाँ पे टिकटॉक ने साफ साफ बताया है कि आपको लाइव का ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप 16 साल का होंगे या 16 साल के ऊपर का होंगे तब। यहाँ पे उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि लाइव के लिए आपको कोई 5,000 या 10,000 फॉलोवर चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। तो लाइव का जो ऑप्शन है वो हर किसी को मिल सकता है। तो यहाँ पे अब हमें लाइव का ऑप्शन मिलेगा कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे एक स्टिल हैव अ प्रॉब्लम लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आप इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप लाइव को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप फीडबैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्टिल हैव अ प्रॉब्लम पे क्लिक करते हैं और अब यहाँ पे हमें एक यहाँ पे लिखना है, जिस तरह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसी तरह से आपको भी लिखना है। अभी यहाँ पे आपको लिखना है डियर टिकटॉक टीम, उसके बाद एंटर करके नीचे आना है और अब यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है डियर टिकटॉक टीम आई हैव क्रॉस्ड 1000 फॉलोवर बट आई डोंट गेट लाइव फीचर, प्लीज प्रोवाइड अस लाइव ऑप्शन, थैंक्स। यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस इतना ही लिख देना है। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि फॉलोवर कितना चाहिए, तो कोई भी यहाँ पे फॉलोवर नहीं चाहिए, ऐसा टिकटॉक ने कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपको 1000 या 2000 या 10000 फॉलोवर चाहिए लाइव के लिए। यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिख दिया है, आपके फॉलोवर अगर हैं तो इस तरह से आप लिख सकते हैं या फिर आप इसे छोड़ भी सकते हैं 1000 फॉलोवर वाले को। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको कैप्चर करवाया है वो यहाँ पे अब आपको अपलोड करना है। चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी और अब यहाँ से हम गैलरी से इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आ गया। और नीचे यहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी दे देना है, जो भी आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ पे आप अपना डाल दीजिए। चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं और डालने के बाद अब यहाँ पे आपको ऊपर में राइट हैंड साइड में सेंड का बटन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही इस तरह से आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको टिकटॉक के तरफ से रिप्लाई आएगा यहाँ पे और आपको जो है लाइव का जो ऑप्शन है, लाइव का जो फीचर है वो आपके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर, या फिर आपको ईमेल पे भी कोई मैसेज आ सकता है। तो आपको ईमेल जो आपने ईमेल मैंने दिया है आपने उसे भी आपको चेक करना है कि वहाँ पे कोई रिप्लाई तो नहीं आया है। ज़्यादातर चांस है कि आपको इसी के नीचे कोई रिप्लाई आएगा और आपको लाइव का जो ऑप्शन है वो आपको दे दिया जाएगा। तो इसी तरह से आप लाइव के ऑप्शन को इनेबल करवा सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बस बड़े ही आसानी से लाइव का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाता है।